Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Rims Lifestyle। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो guys, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो इसको एंड तक लाजमी देखेगा। अभी हम लोग 14 फेब को वीक ईयर मकली गेस्ट हाउस आ चुके हैं। क्यों आए हैं तो आप लोगों को बताती है। चलो, हमारी रिस्पेक्टेड मैम शाज़िया अलमाज़, उनकी बर्थडे थी, उसके साथ साथ उनके सन और डॉटर इन लॉ भी फैमिली के साथ उमरा करने गए थे, तो वो भी वापस आएंगे। तो उनकी खुशी में हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज की यहाँ पे पार्टी, छोटा सा डिनर अरेंज किया था। तो स्पेशली थैंक्स टू मिस जुबेदा, जिन्होंने सारा खिटराग वाला अरेंजमेंट करवाया वीकेयर गेस्ट हाउस में, और हम लोगों ने तो बस खाली कंट्रीब्यूशन दे दी थी। तो यहाँ पे लिमिटेड लोग थे, बस टीचर्स के ये दो मुन्ने आए थे क्यूट से, और मैं इसीलिए ज़ैनब को नहीं लेके गई क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे बच्चे नहीं होंगे, वो बोर होगी। बस टीचर्स ही थी आपस में, और यहाँ पे मेरा ये आउटफिट था पार्टी वेयर। तो यहाँ पे डेकोरेशन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड किया हुआ है, क्योंकि उस दिन 14 फेब भी था, वैलेंटाइन डे। तो यहाँ पे पूरा रेड ऑन रेड। अच्छा, यहाँ पे पान रखे हुए हैं सबके लिए, और यहाँ पे स्पेशली मैम के लिए बुके, गजरे, हार, और अगेन पान आ गए, गिफ्ट्स आ गए, और यहाँ पे मैम के लिए जो है बर्थडे केक भी रखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो है फर्स्ट टाइम इवेंट ऑर्गेनाइज किया था टीचर्स ने, किरत वाली ने, और मेरे जाने के बाद तो फर्स्ट टाइम ही हुआ था। बहुत मज़ा आया था, लिमिटेड लोगों में बहुत मज़ा आता है वैसे भी, और छोटा मोटा फंक्शन था, तो बस छोटी छोटी खुशियों को बढ़ा करके हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैम और इनकी फैमिली पहुँच चुकी है। तो अब जैसे नहीं रस्में होती हैं शादियों में, तो वैसे ही हम लोगों ने अपनी रस्में पूरी की। मैम को लूंगी पहनाई, और उनके बेटे को अजरक, और बहू को भी अजरक, उसके अलावा जो छोटू है उनको भी अजरक पहनाई, और यहाँ पे मैम के बेटे हैं ये सर शाहजेब, और यहाँ पे अदा जब्बार हैं, तो बस ये अजरक वगैरह पहनाई, और यहाँ पे छोटू को भी अजरक पहनाई, हार पहनाए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी माशाल्लाह उमरा करके आया था, और यहाँ पे सर रियाज पहना रहे हैं, यहाँ पे मिस जुबेदा जो है गिफ्ट दे रही हैं, और सब बारी बारी टीचर्स ने जो है वो किसी ने बुके दिया, किसी ने हार, मैंने हार पहनाया था, और टीचर्स ने गजरे पहनाए। अच्छा, यहाँ पे मैम के हाथ इतने माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे, मैं बताती चलूँ, मैम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, मेरी तो मतलब आइडियल पर्सनैलिटी हैं, मैंने शुरू से मैं इंस्पायर हूँ, तो कुछ भी मैम पहनती है बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैम के हाथ पाँव माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे मैम की बहू, तो ये भी टीचर है हमारे साथ, तो यहाँ पे ये उनका बेटा आ गया, तो ये भी है छोटा सा हाजी, गया था उमरे पे माशाल्लाह से। अब यहाँ पे केक कट हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिए, माशाल्लाह बहुत सब ने इंजॉय किया, और बस ऐसे ही अपनी खुशियों को, अपनी जो भी चाहे रिलेटिव्स हो अपनी फैमिली में, आप छोटी छोटी खुशियों को बढ़ा करके मनाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल वैसे भी खुशियां कम हैं, तो बस अपनी लाइफ को ऐसे इंजॉय करें। और जी, यहाँ पे खाना खुल गया है, और खाने में मज़ेदार सी बिरयानी, नान, कढ़ाई, और यहाँ पे क्रिस्पी कबाब, फ्राइज़, और सलाद, रायता, केचप वगैरह। तो यहाँ पे सब अपना खाना इंजॉय करें, बहुत मज़े का खाना था, एंड में सबको पान सर्व किया गया। तो जी, पार्टी में सबको बहुत मज़ा, सबने बहुत इंजॉय किया। हो गया है नेक्स्ट डे, और आज स्कूल में सर नौमान वासिफ ट्रेनिंग देने आए थे हम सब टीचर्स को, और बहुत ही अच्छे ट्रेनर है। तो फौरन पानी नहीं क्या करें, क्योंकि आपके तरह आपके ऑर्गन भी सो जाते हैं, और आपका पानी पीने का मरना जो है वो किडनी से रिलेटेड है। आप जो दिन से उठ के पानी पीते हैं ना, वो किडनी पूरी रात पकड़ के बैठी होती है, जब आप सुबह उठते हैं ना फिर उसको फिल्टर करती है। इस वो प्रैक्टिस को मुस्तकिल तौर पर करने से इंसान का ब्लैडर और किडनी खराब हो जाती है। पॉलिटेक्निकल कॉलेज मकली में जो वर्कशॉप हुआ था लाइट स्टोन पब्लिशर की तरफ से, उनकी तरफ से जो सर्टिफिकेट मिला। अब यहाँ पे मैं क्लिप्स शेयर कर रही हूँ बच्चों की, जब पेपर्स हुए थे, तो ये पुरानी क्लिप्स हैं जो उसके साथ मैं अटैच कर रही हूँ। आई नो बहुत लेट हो जाती हूँ व्लॉग्स अपलोड करने में, लेकिन बिजी स्केड्यूल है इस वजह से, लेकिन बारी बारी मैं आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सब बच्चे पेपर दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पेपर बहुत अच्छे, और यहाँ पे कॉपीज में चेक कर रही हूँ, तो मैंने क्या देखा, मेहरबानी करके मुझे पास कर दे हैं बच्चे, पता नहीं क्या क्यों ऐसे लिखते हैं। तो माशाल्लाह से बस ये सारी कॉपीज मैंने चेक कर ली। अब आज है रिजल्ट डे, place where the
told you what to check. A big shout out to those teachers जिन्होंने ये backdrop बनाया result day के हवाले से, बहुत ही अच्छा था. और यहाँ पे बारी बारी सब क्लासेस के बच्चे आके अपना सर्टिफिकेट रिसीव कर रहे थे. और यहाँ पे ये रही मेरी 8th क्लास. और जी यहाँ पे एक एक्टिविटी टीचर करवा रही थी मिस सबा, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी लगी मुझे ये. स्टेशनरी बॉक्स कह लें या मल्टीपर्पज़ बॉक्स कह लें, बहुत ही अच्छा बनाया बच्चों ने कंप्यूटर पेपर शीट से या किसी और चीज़ों से. और ये इतना क्यूट लगा, यूनिकॉर्न का आइडिया मुझे इतना अच्छा लगा ये वाला, तो मैंने खुद जाके बच्चों की ये वाली एक्टिविटी रिकॉर्ड की. हालांकि मिस ने मुझे नहीं बोला, लेकिन मैंने खुद वहाँ पे कि मैंने कहा मैं ये अपने वीडियोज़ में शेयर करूँगी. ये बच्चे माशाल्लाह से इतना टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको मेंटोर उनके जो हैं वो टीचर्स हैं. टीचर्स मेहनत करती हैं, गाइड करती हैं बहुत ही अच्छे से, तभी बच्चे आगे पढ़ते हैं. अच्छा, यहाँ पर मेरे बच्चों क्लास 8 को जो है मैंने कहा कि मैं साइंस लैब में लेके जाती हूँ. तो यहाँ पर सारे बच्चे बारी बारी नीचे आ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर. और जी यहाँ पर ये हमारी साइंस लैब का भी टूर कर लें. ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि स्कूल टूर में मैंने सारे स्कूल का टूर दिया था, साइंस लैब का नहीं दिया था. तो आप उसमें देख लें फिज़िक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री के हवाले से यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, केमिकल्स रखे हुए हैं, हर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है. आप लोग देख सकते हैं फिज़िक्स के हवाले से, बायोलॉजी सारे उनके हवाले से. तो बच्चों को बस इसे इनका थोड़ा सा मिनी इंट्रोडक्शन दे दिया क्लास 8 को, क्लास 9th वालों को भी, और यहाँ पे क्लास मैट्रिक वालों को भी मैंने दिया था. तो बारी बारी सारे जो है एक दिन एक क्लास का था, दूसरे दिन दूसरी, तो इस तरह करके बच्चों को सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम वगैरह बताए, इंट्रोडक्शन दिया. आज है फ्राइडे यानी कि स्पोर्ट्स डे, और स्पोर्ट डे के लिए सब बच्चों ने जो है गेटअप अपना जो है यूनिफॉर्म वगैरह पहन के आए थे स्पोर्ट डे के हवाले से. तो यूजुअली मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ स्पोर्ट डे वगैरह होता है तो मैं गेम्स वगैरह खिलाती हूँ बच्चों को, मेरे साथ टीचर्स भी होती हैं. तो अब यहाँ पर बच्चों को बारी बारी जो है हम लोगों ने टीम्स बनाई, और ये यहाँ पर एक ही स्टेप पर बच्चों को बोला कि आप लोगों को आना है, बॉल यहाँ पर पिक करके रखनी है. तो बस बारी बारी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं. उसके अलावा और भी गेम्स खिलाई, जैसे छोटे बच्चे तो उनको अलग गेम्स खिलाई और बड़े बच्चों को अलग. तो इस तरह बच्चों में फिज़िकल एक्टिविटीज़ का भी होता है तो बहुत अच्छा लगता है. और यहाँ पे छोटे बच्चों को हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अब जैसे हम लोग येलो बोल रहे हैं तो येलो सेक्शन में जाना है आपने, और ब्लू बोल रहे हैं तो ब्लू सेक्शन में आना है आपने. तो जी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. जैसे भी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. आस्ता आस्ता मैं रेगुलर हो रही हूँ, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, अपने ग्रुप्स में वीडियोज़ शेयर करें. तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़.